Hello everybody, welcome back to my channel. आई एम बैक अगैन विद अनदर वीकली ब्लॉग. और इस वीक में जो है वो जिलानी पार्क में, जिसका पुराना नाम रेस कोर्स पार्क था, वहाँ पर हर साल जो है वो एक फ्लावर एग्जिबिशन होती है और वहाँ पर बहुत से लोग आते हैं देखने के लिए. डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत ज़्यादा कोरोना था, वी वर ऑल्सो देयर, क्योंकि घर बैठ के सब जो है वो बोर हो चुके हैं, तो एवरी वन वॉन्ट्स एंटरटेनमेंट इन लाइफ. तो SOPs को फॉलो करते हुए, मास्क को पहनते हुए, हमने भी सोचा कि वाई नॉट गो एंड सी द फ्लावर एग्जिबिशन. तो ये लाहौर में होती है और यहाँ पे जो है वो एक इस टाइम पर होती है और एक तब होती है मार्च अप्रैल के टाइम पर, जब स्प्रिंग का टाइम होता है. तो बहुत अच्छा मौसम था इसमें उस वक्त. फिर हम घर से जो है वो चाय वगैरह भी बना कर लेकर गए थे और फिर वहाँ हमने बैठ के जो है वो पिकनिक भी किया और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया. बीच में बहुत ज़्यादा रश था, मगर इस साइड पर जो है वो बहुत रश कम था, तो फिर भी इन्जॉयड अलॉट. और यहाँ जो है वो इस तरह से एंट्रेंस बनाई हुई थी मेन पार्क के अंदर. तो ये जो है वो मेन पार्क की एंट्रेंस है. दूसरा, आई वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ़ यू फॉर हेल्पिंग मी रीच माई गोल्स. और मेरे 10,000 व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं वीडियो के ऊपर और आई हैव रीच्ड 400 सब्सक्राइबर्स एज वेल. सो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लाइकिंग देम एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल. और फिर ये नेक्स्ट डे जो है वो रात के वक्त मैं अपनी मामा की तरफ आई हुई थी, तो आई थॉट कि मैं थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह भी कर लूँ और चीज़ें वगैरह ले लूँ. तो अलफ़तह से मैंने शॉपिंग वगैरह की और थोड़ी सी चाइना से मेला से भी ली है. तो अभी मैं आपको चीज़ें भी दिखाती हूँ जो मैंने चीज़ें ख़रीदी हैं. तो मुझे जो है वो एक स्टूल सा चाहिए था बच्चे को मैं नहलाने के लिए, उसकी बाथ सीट के ना लेवल का मुझे स्टूल सा चाहिए था जिस पर मैं बैठ के ख़ुद उसको नहला सकती. तो ये मैंने चाइना से मेले से लिया है, दैट इज़ लाइक 450 रुपीज़ का है ये और काफ़ी स्टडी है. और साथ ही मैंने जो है वो कप्स लिए हैं, छोटे कप्स लिए हैं. मुझे बड़े मग्स में चाय पीना जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो आई लाइक दी स्मॉल मग्स जिनके ऊपर चाय जो है वो बहुत सफिशेंट सी होती है, तो आप उनको आराम से पी भी सकते हो. ये बहुत ही क्यूट से मग्स हैं और ये बड़ी बड़ी दुकानों में आपको बहुत महंगे मिलते हैं, मगर ये हाई एंड लगते हैं बिल्कुल. इस तरह से अगर आप मेटालिक से मैट फिनिश वाले मग्स ले लो किसी भी चाइना मेले से, तो बहुत हाई एंड प्रोडक्ट्स लगते हैं. दूसरा, फिर मैंने वहीं से टिशू रोल्स भी ले लिए थे और टिशू बॉक्सेस भी ले लिए थे. सेम प्राइसेस थी उनकी, अलफ़तह पे भी 120 का बॉक्स था और यहाँ पे भी 120 का बॉक्स था, नो डिफरेंस एट ऑल. फिर साथ मैंने ये जो है वो कमांड हुक्स भी ले लिए थे. अब इनको मैं यूज़ करके बताऊँगी कि हाउ मच स्ट्रॉन्ग दे वर और कितना इनको जो है वो ये इनके अंदर स्ट्रेंथ थी होल्ड करने के लिए. फिर दूसरा, मैं अलफ़तह चली गई थी, वहाँ से जो है वो मेकअप वगैरह भी लिया और मैंने अपना फ़ोन केस भी लिया और स्नैक्स शॉपिंग की थी. साथ साथ मैं आपको अपनी स्नैक्स भी दिखाती रहती हूँ. और दूसरा ये कि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आपके साथ शेयर करूँ. तो ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी मैंने एक जर्नल मेंटेन किया था जहाँ पर मैं रोज़ अपनी जो मुझे सिम्टम्स आते थे मैं वो भी लिखती थी और कभी मैं बेटर फील करती थी तो मैं वो भी लिखती थी. तो एक ऐप है जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी और वो वीक बाई वीक आपको बताता है कि आपके बेबी का क्या साइज़ है और क्या आपको सिम्टम्स आ सकते हैं और क्या सब कुछ है. तो वो उसका नाम, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी ऐप थी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं आपको फिर गाइड करूँगी. और दूसरा ये कि फिर प्रेगनेंसी जो है वो नौजिया तो एक यूनिवर्सल चीज़ होती है, नौजिया आपको बहुत ज़्यादा होता है. मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा नौजिया हुआ था, मगर थैंक गॉड कि अब इस तरह की दवाइयाँ आ चुकी हैं जिससे नौजिया कंट्रोल हो जाता है और अल्लाह का शुक्र है कि वो फिर दवाइयाँ लेने से नौजिया काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है. फिर ये है कि थोड़ा सा आपको जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है वो आपका थोड़ा सा अच्छा और कूल ट्राइमेस्टर होता है, उसमें आप इजी फील करते हो, थोड़ी आपकी हार्ट बर्न भी ख़त्म हो जाती है. मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न स्टार्ट हो गई थी, फिर एक अजीब सा मेटालिक टेस्ट भी आता है और मेरी भूख बिल्कुल मर चुकी थी एंड आई जस्ट लॉस्ट लॉट ऑफ केजीज. और फिर मतलब प्रेगनेंसी में गेन करना होता है आपने वेट, मगर मेरा लूज़ हो गया था क्योंकि मैं कुछ खा नहीं रही थी. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो मेरा काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किल में गुजरा था, उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर भी ठीक था. और
और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये होता है कि मैं मतलब आपको बहुत ज़्यादा सांस फूलता है आपका और प्यास भी लगती है। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो क्रेविंग हुई थी वो बर्फ़ खाने की क्रेविंग हुई थी। मैं सारा दिन तकरीबन बर्फ़ खाती थी, मगर ये एक बहुत ही गलत बात है। मगर मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती थी कि मैं फिर जो है वो ऐसा करती थी कि खाना खा के लाजमी बर्फ़ें खाती थी, कि मैं कहती थी कि चलो मुझे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो मगर मैं अपनी क्रेविंग भी जो है वो पूरी कर सकूँ। और जैसे ही बेबी की बर्थ हुई तो मुझे वो क्रेविंग बिल्कुल प्रेगनेंसी के साथ ही ख़त्म हो गई। दूसरा ये कि मैंने अपनी प्रीनेटल्स और कैल्शियम और आयरन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, क्योंकि डाइट के थ्रू आप कितने न्यूट्रिएंट्स फुलफ़िल नहीं हो रहे होते, तो आपको सप्लीमेंट्स का जो है वो हेल्प लेना ही पड़ता है। तो मैंने जो है वो प्रीनेटल्स और कैल्शियम और आयरन की गोलियां और विटामिन D3 की गोलियां ली थी। तो ये जो है वो आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी मेंटेन करने में ईजी रहता है। तो ये मेरे ओवरऑल सिम्टम्स थे। और इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं या आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। और आप लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी कमेंट्स आती हैं, दे मोटिवेट मी अ लॉट। सो कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल, आई बी कमिंग विद मोर एंड मोर वीडियोज़ इंशाल्लाह। वंस आई स्टार्ट कुकिंग आई विल बी हैविंग सम वीकली मील प्लानिंग्स एंड बजटेड मील प्लानिंग्स। सो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़। सो यहाँ पर जो है वो ग्रॉसरी शॉपिंग भी की है मैंने, साथ साथ स्नैक्स लिए हैं, बच्चे की चीज़ें हैं, थोड़ी मैंने अपनी चीज़ें ली हैं। तो ये जो है वो मंथली ग्रोसरी हॉल हो जाता है, क्योंकि मंथली आप चीज़ें ले लेते हो। मैं बार बार जो है वो शॉप्स जाना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि आजकल कोरोना भी बहुत ज़्यादा पीक पर है। दूसरा मैं जो है वो एक टिप फॉलो करने लगी हूँ हेयर फॉल के लिए, एक तेल बनाने लगी हूँ। अगर आपको है क्यूरोसिटी के वो उसका प्रोग्रेस कैसा है और मेरा हेयर फॉल कितना कम हुआ है उससे, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आई विल बी अपडेटिंग यू विद दैट हेयर ऑयल। और वो मैंने यूट्यूब पे ही वीडियो देखी थी, आई एम जस्ट गोना ट्राई इट आउट नाउ फॉर माई सेल्फ। तो मुझे अगर कमेंट्स आएंगे कि मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूँ तो मैं आपके साथ ज़रूर रिव्यू शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने आपको पहले दिखाया एक टूथब्रश सा लिया है मैंने, ब्रिसल्स वाला, जिसके अंदर आप फिंगर इंसर्ट करके जो है वो बेबी के दांत में लगा सकते हो, क्योंकि माय बेबी इज़ गोइंग थ्रू अ टीथिंग फेज राइट नाउ और उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो कुछ भी उसके गम्स पे मलने से जो है उसको बहुत ज़्यादा आराम महसूस होता है। तो आई बॉट दैट ब्रश एज वेल, उसका भी रिव्यू मैं अगर आप मुझे चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। सो देयर आर एंटायर थिंग्स दैट आई बॉट फ्रॉम अलफतह टुडे। आई होप यू लाइक टुडेज़ वीकली व्लॉग। डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। अंटिल द टेक केयर।